चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोलिजन्स के अंदर हमने जो क्लास में किया था वो क्या किया था कि टाइप ऑफ कोलिजन्स के अंदर सबसे पहले इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन दो टाइप में क्लासिफाई किया। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या किया था, 1D कोलिजन और ऐसे 2D कोलिजन। ऐसे इनइलास्टिक के अंदर 1D कोलिजन एंड 2D कोलिजन, और जो इनइलास्टिक कोलिजन है उनके अंदर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में था, और हमें मालूम पड़ जाता था कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की हेल्प से कि वो इनइलास्टिक कोलिजन है, और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसका ई क्या होता था, 1 होता था। ठीक, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट इन, जैसे सपोज 1D, देर इज अ बॉल एंड अनदर बॉल, तो दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल, इन सेकेंड एग्जाम्पल सपोज देर इज अ बॉल कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और जो सेकेंड बॉल है, दिस इज सेकेंड बॉल विच इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो दो एरोज हैं ये लाइन ऑफ मोशन है। सपोज ये ए है, ये बी है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बी, और इसी तरीके से दिस इज लाइन ऑफ मोशन, या इसको थोड़ा सा टीढ़ा कर लेते हैं नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से पता नहीं लगेगा, इसको इस तरीके से कर लेते हैं ऐसे, तो मींस कुछ ऐसे ये ना, तो दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉल ए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होगी वो इन दोनों के जो सेंटर्स हैं, इनको मैंने ज्वाइन किया, इन दोनों के सेंटर्स की लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसके अंदर अगर कोई इमेजिनरी लाइन आप ये ड्रॉ करते हो जो दोनों के सेंटर्स में से क्रॉस कर रही है, तभी मैंने आपने नोट किया होगा, तभी मैंने ये डायरेक्शन को क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि पहले मैंने इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही कोलिजन करवाई थी, पर ज़रूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, तो कहीं अगर यूज हो जाए ये टर्म तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है। और इस टाइप की कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। इस टाइप को कोलिजन को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। तो 2D कोलिजन जिसको बोल सकते हैं, तो इसके अंदर तो 1D है, जस्ट हेड ऑन कोलिजन है, तो दूसरी टाइप की कोलिजन या तो हेड ऑन होगी या हेड ऑन नहीं होगी, और अगर हेड ऑन नहीं होगी तो वो ऑब्लिक कोलिजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने क्लास में किया हुआ है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट वॉज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमने डेफिनेशन की हुई है, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ये हमने डेफिनेशन की हुई है ऑलरेडी। ठीक, सेकेंड डेफिनेशन नोट करो, e इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मीन्स रिकवरी मीन्स आफ्टर कोलिजन, और डिफॉर्मेशन मीन्स व्हेन सम वेलोसिटीज आर गोइंग टू चेंज, इट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। तो बेसिकली फाइनल अपॉन इनिशियल,
फाइनल मीन्स रिकवरी हो रही है और इनिशियल मीन्स जो है डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, दिस इज फोर्स ऑफ रिफॉर्मेशन डीटी डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन डीटी। वो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स, बिकॉज फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स एंड इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम। ठीक, इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो फॉर एग्जांपल देयर आर टू बॉल्स एंड फर्स्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ यू वन, सेकेंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ यू टू, मास इज एम टू, मास इज एम वन एंड यू वन ग्रेटर देन यू टू। ऑब्वियसली तभी कोलिजन होगा जब यू वन ग्रेटर देन यू टू। तो लेट अस सपोज इनका कोलिजन होता है, दिस इज एम टू, दिस इज एम वन एंड एट द टाइम ऑफ कोलिजन लेट अस सपोज वेलोसिटी इज वी एंड वी, उस इंस्टेंट के लिए वेलोसिटीज एकदम कॉमन हो गई वी एंड उसके बाद इनकी सेपरेशन हो जाती है। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, नॉर्मली हम ये शो नहीं करते कहीं पर भी। नॉर्मली हम सीधा बोलते हैं कि आफ्टर कोलिजन एम वन की वेलोसिटी कितनी हो गई वी वन एंड आफ्टर कोलिजन एम टू की वेलोसिटी कितनी हो गई वी टू। हम इन दो स्टेट्स के बीच में काम करते हैं, हम इस इंटरमीडिएट स्टेट को लेते नहीं है। ठीक, इसको ड्रॉ कर सकते हो और इसमें वी टू ग्रेटर देन वी वन। तो इस स्टेज को, यहां से लेके यहां तक की स्टेज को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्योंकि यहां तक वेलोसिटी चेंज हो रही है इनिशियल, और यहां से लेके इस स्टेज को हम बोलते हैं रिफॉर्मेशन। मींस यू वन यू टू की इंटरमीडिएट स्टेट वी आने का मतलब डिफॉर्मेशन, और वी से फाइनल वेलोसिटी जाने का मतलब रिफॉर्मेशन। ठीक, चाहे डिफॉर्मेशन की स्टेज हो चाहे रिफॉर्मेशन की स्टेज हो, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम कितने हैं, एम वन इंटू यू वन प्लस एम टू इंटू यू टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू वी, इक्वेशन नंबर वन। ये कौन सी स्टेज की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, डिफॉर्मेशन। और रिफॉर्मेशन के लिए एम वन प्लस एम टू इंटू वी is equal to m1 into v1 plus m2 into v2, this is your equation number 2. From 1 and 2 we can write m1 into u1 plus m2 into u2 is equal to m1 into v1 plus m2 into v2. Hum intermediate stage nahi likhte, hum seedha ye result likhte hain, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 u2. और चाहे यहां से चाहे यहां से कॉमन वेलोसिटी वी कैन बी कैलकुलेटेड, एम वन यू वन प्लस एम टू इंटू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और वी कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज वहां से वी की वैल्यू आ जाएगी एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो लेट अस कैलकुलेट इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। सो इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट किया, जे डी का मतलब इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। कोई भी एक बॉडी ले लो और ये इम्पल्स की वैल्यू आएगी क्या डिफॉर्मेशन की, कोई भी एक बॉडी का क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकाल देना है। चाहे बॉडी एम वन लो चाहे बॉडी एम टू लो,
अब जैसे मान लो मैं एम टू लेता हूँ, एम टू डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, एम टू की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू टू, एम टू की यहां तक डिफॉर्मेशन तक फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी, एंड ऑब्वियसली वी इज ग्रेटर देन यू टू, इसकी तो वेलोसिटी यू टू कम थी, तो इसमें एम टू इन टू वी माइनस क्या जाएगा यू टू, दिस इज चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी एम टू, ठीक। एंड सिमिलरली सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट फॉर एम वन, चाहे एम वन बॉडी लें चाहे एम टू बॉडी लें एक ही बात है, तो एम वन के लिए हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एम वन की बड़ी है और फाइनल वेलोसिटी एम वन की छोटी है, तो दिस इज इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, सिमिलरली इंपल्स इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन के अंदर जे ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एम टू की बात करें, अब एम टू की जो फाइनल वेलोसिटी है वो बड़ी है, वी टू बड़ा है, किससे वी से, अब रिफॉर्मेशन की स्टेज वी टू और वी के बीच में चलेगी, तो एम इन टू क्या लिखेंगे वी टू माइनस एम इन टू वी, एंड सिमिलरली एम वन के लिए उल्टा हो जाएगा, एम वन के लिए जो वेलोसिटी वी वन है वो कम होने वाली है और वी बड़ी है, तो वी माइनस वी वन, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, या जो भी है सेकेंड इक्वेशन, इम्पल्सिस आते हैं। तो मीन्स जब आपको डिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन के इम्पल्स की बात करेगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट्स इट। तो कई बार क्वेश्चन यही आ जाएगा, एक क्वेश्चन डाला है असाइनमेंट में मैंने ढूंढ के जिसमें डिफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, तो डिफॉर्मेशन के एग्जाम्पल के अंदर आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अब आपको क्या करना है स्टेज में, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, और अगर आपको रेस्टिट्यूशन निकालना है ई, तो ई इज इक्वल टू जे ऑफ डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय जे फॉर रिफॉर्मेशन, ठीक, नहीं उल्टा, फाइनल पहले होता है, ओके फाइनल पहले होता है, तो रिफॉर्मेशन ऊपर आएगा, डिफॉर्मेशन इनिशियल है ना तो नीचे आएगा, तो इनकी रेशियो को ई बोलेंगे, आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो वी की वैल्यूज को यहां पुट कर सकते हो, और v की वैल्यूज को पुट करके आंसर वही आएगा v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, आंसर में कोई चेंज नहीं, ठीक है यहां तक। बट फाइनल e का फॉर्मूला है वो तो ऑलरेडी हमें आता है, इंटरमीडिएट स्टेज क्या थी वो अपने को पता लग गई, ठीक है यहां तक। ठीक, नेक्स्ट है, ऑब्लिक कोलिजन इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस, ठीक। तो सपोज दिस इज अ बॉल, अगेन अ सेकेंड बॉल, दिस इज सेंटर, एक लाइन ज्वाइन करो दोनों के सेंटर्स में से, दिस इज सी वन एंड दिस इज सी टू, और एक लाइन ज्वाइन करो, एक लाइन ज्वाइन करो इनके कॉम इस ऐसे टेंजेंट ऐसे सच दैट दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है यहां तक। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे सी टी, सी टी मीन्स कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट, एंड दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल, तो इसके साथ नॉर्मल है, तो दिस इज नोन एज कॉमन नॉर्मल, ठीक। जब भी कोलिजन होगी, ऑब्लिक कोलिजन होगी 2D में, और रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कभी भी कॉमन टेंजेंट पे नहीं लगता, क्योंकि वेलोसिटी जो है हेड ऑन इस तरीके से कोलिजन हो रही है, अगर मैं ये एक्सिस लूँ तो, वैसे ऑब्लिक कोलिजन है अगर आप एक्स और वाई की बात करते हो, तो इस केस में रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हमेशा किसके अलॉन्ग लगेगा, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लगेगा, तो आपको जो वेलोसिटीज लेनी है इनिशियल एंड फाइनल वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लेनी है,
और यहाँ से रेस्टिट्यूशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इस एक्सिस के अलोंग लेना है, ठीक। सो फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज अगर एक बॉल आती है टकरा के चली जाती है कुछ इस तरीके से, और लेट अस सपोज ये वॉल है, ये रहा, तो दिस वॉल इज एक्टिंग लाइक कॉमन नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट, नॉट नॉर्मल, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज कॉमन नॉर्मल। तो हम रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हम परपेंडिकुलर के अलोंग लिया करते थे, दैट इज नॉर्मल के अलोंग, हम वॉल के अलोंग नहीं लेते थे, वॉल के अलोंग कॉमन टेंजेंट है, तो इसके अलोंग ले लेना, ठीक। इसको करेंगे भी एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक। और बाकी इसमें ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि रेस्टिट्यूशन कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लेने हैं, वो हमें मालूम है। एंड नेक्स्ट, इसमें एक सरफेस अगर मान लो स्मूथ है तो क्या होगा और रफ है तो क्या होगा। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो स्मूथ सरफेस पे किए थे, वॉल हमेशा स्मूथ होती थी, लेकिन हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जब कोलिजन हो रही है और वॉल में फ्रिक्शन है। तो मैंने एक न्यूमेरिकल डाला है, मैं न्यूमेरिकल के अंदर ही बता दूंगा उस कॉन्सेप्ट को कैसे करना है, ठीक। चेंज ऑफ मोमेंटम से करना होता है, वॉल के अलोंग भी चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो कैसे होगा वो देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर वन से ही। हम क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर वन हमने किया भी हुआ है, फाइनल वेलोसिटी वी कैसे निकलेगी, रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, कॉमन नॉर्मल इसमें ड्रॉ किया ही हुआ है। तो आप इसमें ये आपको याद होगा हमने कोलिजन किस में की थी, हमने कोलिजन की थी 2D में, और सेकेंड उसमें क्या था, रेस्टिट्यूशन के बना है, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर सपोज करो बॉल आई एंड बॉल जा रही है, तो दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, बॉल इज कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू एंड गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, और एंगल्स क्या हैं इनके, सपोज दिस इज एन एंगल आई एंड दिस इज एन एंगल आर, ठीक। तो हम क्या करते थे इसमें, हम पहले वेलोसिटीज के कंपोनेंट लिया करते थे, वेलोसिटीज के कंपोनेंट के अंदर इनिशियल ये रहा, इनिशियल मान लो एम मास है और एम मास जा रहा है एम आर है, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, एम इंटू यू है, और एम यू के केस में इफ दिस एंगल इज आई तो दिस एंगल इज ऑल्सो आई, तो एम इंटू यू इंटू कॉस ऑफ आई, एंड सिमिलरली एम इंटू यू इंटू साइन ऑफ, ठीक है यहाँ तक। एंड सिमिलरली जब फाइनल वेलोसिटी है v कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, m इनटू v इनटू कॉस ऑफ r, एंड सिमिलरली m इनटू v इनटू साइन ऑफ r, ठीक है यहाँ तक। तो ये टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, और वो कॉमन नॉर्मल है। रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था, हमेशा किस पे लगता है, कॉमन नॉर्मल पे लगेगा, तो नॉर्मल के अलॉन्ग लगेगा। और वैसे जो कॉन्सेप्ट है, जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, ऑब्वियसली कोलिजन है तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, वो किस एक्सिस के अलोंग लगेगा, टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम यू इंटू साइन ऑफ आई, और फाइनल कितना है, एम वी इंटू साइन ऑफ आर, एम से एम कैंसिल, तो यू इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू वी इंटू साइन ऑफ आर, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और सेकेंड इक्वेशन क्या लगेगी, सेकेंड इक्वेशन विल बी इक्वल टू जो जाने का मोमेंटम होगा, एम वी इंटू कॉस ऑफ आर, दैट इज फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू ई टाइम्स इनिशियल मोमेंटम, याद है कोलिजन के बाद ई रेस्टिट्यूशन के बाद मोमेंटम ई टाइम्स हो जाता है, दैट इज ई टाइम्स एम इंटू यू इंटू कॉस ऑफ आई, तो यहाँ से एम से एम क्या हो गया, कैंसल, तो वी इंटू कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू ई इंटू यू इंटू कॉस ऑफ आई, तो यहाँ से, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो यू इंटू कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू वी बाई ई इंटू कॉस ऑफ वॉट आर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर सकते हो, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग यू विल गेट यू स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर आई प्लस साइन स्क्वेयर आई, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, और दिस विल गिव व्हाट, वी स्क्वेयर बाय ई का स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर आर प्लस वी स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर आर, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वन, यहां से जो निकालना है यू कैन कैलकुलेट।
तो बेसिक इक्वेशन तो क्लियर ही है कि कैसे बनेंगे दो इक्वेशन, उसके बाद जो निकालना है यू कैन कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी वी, तो वी कैन बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ से वी कॉमन निकाल के अंडर रूट की फॉर्म में आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया रेस्टिट्यूशन जो प्रूव करना है वो ट्राई करो, निकाल लेना यार यहां से भी आर आर निकाल लें। हाँ तो यहां से डिवाइड कर दो, इससे टेन आई कर देना, इन दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड करके आर को टेन इनवर्स या जो भी है उसमें आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बड़े क्वेश्चंस क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर टू प्रूव करो। फिगर क्या करेगा इसमें, बॉल ड्रॉप फ्रॉम सीलिंग वाले में? अच्छा नहीं, ये गलत फिगर लग गई इसमें यार, ये फिगर सही नहीं है, इसको प्लीज फिगर को क्रॉस कर दो, ये इसकी फिगर नहीं है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन डिलीट किया था, वो सेम मिलता जुलता क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन भी सेम था, तो मैंने वो वॉल पे है ये ग्राउंड पे है तो मैं वो उसमें हटाया था। देखो जो क्वेश्चन नंबर टू है, बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम एंड आफ्टर रीबाउंडिंग ट्वाइस फ्रॉम द फ्लोर रीचेज द हाइट इक्वल टू हाफ दैट ऑफ सीलिंग, सो शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जो भी गिवन है। तो सपोज ये सीलिंग है, ये ग्राउंड है, और बॉल कितनी हाइट से आती है, एच हाइट से आती है, तो ऑब्वियसली कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh होगी। फिर जब वो बॉल वापस जाएगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh हो जाएगी। फिर वो ऑब्वियसली हवा में वेलोसिटी चेंज तो होगी नहीं, वो नीचे आएगी विद सेम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh ऊपर जाके, और जब नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh का e टाइम्स। तो हमने दो कोलिजन्स करवानी है, अब सेकेंड कोलिजन के बाद ये इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है लेकिन जो हाइट अटेन कर पाएगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, h बाई 2। तो आप यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो कि जब वो यहाँ से चली थी तो इसके पास एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू एम इंटू ई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh का होल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी थी, और मान लो उसने कितनी हाइट अटेन की, h बाई 2, तो m इंटू जी इंटू एच बाई 2, m से m क्या हो गया कैंसिल, e के लिए सॉल्व करो, h से h भी क्या हो जाएगा
कैंसिल, तो हाफ इंटू ई रेज टू पावर 4 इंटू 2 इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। जी एच से जी एच क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। ई की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2, और क्या प्रूव करना है, 1/4। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से 4√2। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, यू और यू एंड यू अपोजिट डायरेक्शन में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी थी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटीज अगर मासेस सेम हो तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपने इसमें, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले चेक करो फिगर, कर लो। नहीं, इसमें सॉल्व नहीं करना, ओके, पेन को तो हाथ ही नहीं लगाना। देखो, तो इसके अंदर ए और डी लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, ए ने बी को टक्कर मारी तो ए रेस्ट पे आ गया, बी की वेलोसिटी टुवर्ड राइट कितनी है, यू, और ऐसी सी की वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट कितनी है, यू, और इस स्टेज पे ए एंड डी किस पे है, रेस्ट पे। अब बी और सी की टक्कर होगी हेड ऑन, और वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी और डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो जाएंगी। अब बी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा विद यू, और सी राइट की तरफ मूव करेगा विद यू, और उतनी देर में ए और डी किस पे पड़े हुए थे, रेस्ट, वेलोसिटीज फिर एक्सचेंज हो जाएंगी, तो बी और सी रेस्ट पे आ जाएंगे और ए मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ यू एंड डी मूव करेगा टुवर्ड राइट विद द वेलोसिटी ऑफ यू। ठीक हो गया, ठीक, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, तो इसमें एक चीज याद रखना, मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपने करना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस में लगाना है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन में इसकी इनिशियल बॉल की वेलोसिटी कितनी जो हिट कर रही है वो यू अलोंग एक्स एक्सिस है। तो मान लो ये वी और वी के साथ चला गया, एंगल आप खुद निकाल, पता लग ही रहा है आपको 60 डिग्री आने वाला है इसमें, बिकॉज ये रेडियस आर, तो एक लेटरल ट्रायंगल बन गया, तो टोटल एंगल 60, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 30, और ये भी 30। तो आप इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करोगे मोमेंटम के एक्स के अलोंग और इसके x के along, ऐसी y के along, y का momentum तो cancel ही हो जाएगा, तो x axis में एक तो momentum conserve करो, दूसरा क्या लगेगा इसमें, coefficient of restitution, उसका axis क्या लिया जाएगा,
लाइन ऑफ इंपैक्ट लेना होता है हमेशा, और लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब दोनों बॉल्स के सेंटर की लाइन, चाहे तो आप इसकी इसकी ले लो चाहे इसकी इसकी ले लो। तो इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालो और रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। आप करना है और रेस्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट पे न्यूटन ने निकाला था, फोर्सेस न्यूटन ने निकाली थी, रेस्टिट्यूशन न्यूटन ने निकाला था, ग्रेविटेशन का लॉ भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। तो अदर सिलेबस तो आपका प्लस वन का न्यूटन ने तैयार किया। थर्मोडायनेमिक्स आएगा उसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, उसने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी बनाया था, बॉडीज कैसे ठंडी होती हैं। और प्लस टू में लाइट का काम जो है वो सबसे पहले न्यूटन ने शुरू किया था, 200 साल तक उसकी थ्योरी फॉलो की गई थी जो गलत निकली थी बाद में। तो लाइट का कॉन्सेप्ट भी न्यूटन ने स्टार्ट किया था, बड़ा साइंटिस्ट बहुत ज्यादा था यार। ई प्रूफ हो गया, ये तीनों का ई प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो तो इसके अंदर सबसे पहले आपने यहां पर एंगल कितना बनाया, 30, ये एंगल इज 30, तो ये भी कितना है 30। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली इस बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, एम वी इंटू कॉस ऑफ
30, और इस तरफ कितना आएगा एम वी इंटू साइन ऑफ 30 जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। उसी तरीके से ये एम इंटू वी है तो इसका मोमेंटम भी क्या आएगा एम इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 30, और साइन कॉम्पोनेंट इस बॉल के साइन कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा कैंसल। तो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम को कॉन्स्टेंट करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम कितना है फर्स्ट बॉल का एम इंटू यू, और बाकी बॉल किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट, और फाइनली क्या हो जाता है एम इंटू वी इंटू कॉस ऑफ कितना 30 प्लस एम इंटू वी इंटू कॉस ऑफ कितना 30। तो एम एम और एम क्या हो जाएगा कैंसल, तो यू की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू वी इंटू कॉस ऑफ कितना 30, तो यू इज इक्वल टू 2 इंटू वी इंटू कितना रूट 3/2, तो यू की वैल्यू यहां से आ गई रूट 3 टाइम्स वी। ठीक है यहां तक, तो एक आंसर तो यू और वी का रिलेशन आ गया। दूसरा मैंने बताया था कि एक्सिस क्या लेना है आपने, इस एक्सिस को लेना, लाइन ऑफ इंपैक्ट को लेना, इस लाइन ऑफ इंपैक्ट को कंसिडर करते हैं। तो कंसिडरिंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ ए एंड बी, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ ए एंड बी के अक्रॉस हम एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी यू थी, इस तरफ यू, हम एक काम करते हैं कि इसको इसकी वेलोसिटी पहले कंसिडर करते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलाउ, तो इनिशियली इस बॉल की वेलोसिटी इसके अलोंग क्या ली जाएगी यू इंटू कॉस ऑफ कितना 30, यू कॉस 30। ठीक है यहां तक, तो लगाएं इसमें इक्वेशन, तो रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू, रेस्टिट्यूशन का हमने जो फॉर्मूला याद किया हुआ है वो ये किया हुआ है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वी टू से शुरू करें, इस लाइन के अक्रॉस ये सेकेंड बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी इसके अलोंग ही है, और इनिशियल कितनी थी इसकी इस बॉल की अच्छा एक मिनट मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, इसी बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी, और इनिशियल इसी बॉल की कितनी है जीरो। ठीक हो गया, और इस बॉल के लिए इनिशियल कितनी है यू कॉस 30, और फाइनली कितनी है जीरो। ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ई की जगह वी टू बोलो क्या पुट करें वी, और V1 से फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है यहां तक, और U1 की जगह U इंटू कॉस ऑफ 30, फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी और फाइनल कितनी है जीरो, तो V इज इक्वल टू E इंटू U इंटू कॉस ऑफ कितना 30, तो V इज इक्वल टू E इंटू U इंटू कितना रूट 3/2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 E कितना आ रहा है 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना 2/3। ठीक है यहां तक, तो वी और यू को इलिमिनेट ही तो करना है, आंसर आएगा क्या पॉइंट क्लियर है। ठीक, और नेक्स्ट है इसके अंदर आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इनिशियल एनर्जी कितनी है हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टू, दो बॉल्स हैं, तो यहां से हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर माइनस टू इंटू हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी वी किसके इक्वल है, वी किसके इक्वल है यू बाय रूट थ्री, तो यू बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, माइनस कर लेना आंसर। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल बाद में करते हैं, एक और एग्जांपल है। ठीक, देखो ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू डिस्क, दो डिस्क की कोलिजन हो रही है, इसके लिए एक डिस्क यहां ड्रॉ करो, और सपोज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू वन, एंड सिमिलरली एक डिस्क यहां ड्रॉ करो, ये इसका सेंटर है
एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू टू, इसका रेडियस आर टू, इसका रेडियस आर वन, एंड बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एंड अज्यूमिंग यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, तो ये इसके नीचे कहीं इसको कोलाइड करेगी। हेड ऑन कोलिजन तो है नहीं, तो नीचे से कोलिजन होगा। तो जब नीचे से कोलिजन होगा तो सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करो। ये सपोज दो डिस्क हैं और दोनों आपस में जब कोलाइड करेंगी, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये रहा, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये रहा, और इनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये टेक्निक है कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट अस सपोज इसको डी बोलते हैं, आपको याद होगा इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते थे, न्यूमेरिकल किया था हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। और ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री में, गोल्ड फॉयल, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया तो कितने एंगल से निकल गया, तो इस टाइप के, मतलब मींस जो केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोई न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को कोलाइड कर रहा है या कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कोलाइड कर रहा है तो कितने एंगल पर स्कैटरिंग होगी, तो उस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होती है। तो चलो डिस्क भी होती हैं, इसमें एग्जाम्पल डिस्क का लिए, स्फीयर्स के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है यहाँ तक। तो इनके बीच में डिस्टेंस डी है, और लेट अस सपोज इनकी इनके नॉर्मल को हम ज्वाइन करते हैं या लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो दोनों के सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करो, ये इनका नॉर्मल है, और सच दैट, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो जो कि इनका टेंजेंट है, ये रहा, ये इनका टेंजेंट है। एंड इसके अंदर लेट अस सपोज ये जो एंगल है वो है थीटा, इसको थीटा ड्रॉ करो, ये भी एंगल थीटा, ये नॉर्मल है, एंड ये इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, और सच दैट ये आर वन है, ये आर टू है, और ये डी है, ठीक। तो ज्योमेट्री समझ में आ रही है, जब ये से कोलाइड करेंगे तो ये नॉर्मल्स इनके सेंटर से पास कर रहे हैं, ये दोनों इनके एक्सेस हैं, सेंट्रल एक्सेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है, डिस्टेंस इनके बीच में डी है, और ये सबको पता लग रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितने आर वन प्लस आर टू है, और कितने एंगल पर कोलिजन हो रही है, या यू वेलोसिटी से, ये मान लो जो डिस्क है इट वॉज मूविंग इनिशियली विद अ वेलोसिटी ऑफ यू वन एंड दिस ऑल्सो इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू टू, ऐसी सिचुएशन थी इनिशियली, ठीक। तो अगर मेरे को एक्सिस चेंज करना है, नॉर्मल के अराउंड ड्रॉ करना है, तो मेरे को मालूम है कि मैं यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट ले सकता हूँ वेलोसिटी का u1 into cos of कितना थीटा, और एक कॉम्पोनेंट यहाँ जाएगा कितना u1 into sin of थीटा, ठीक। ऐसे ही मैं u2 के भी कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, u2 into कितना cos of थीटा, और इसके परपेंडिकुलर u2 into sin of थीटा, और sin of थीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे, d डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितना है r1 plus r2, साइन थीटा इक्वल टू डी डिवाइड आर वन प्लस आर टू, आपको न्यूमेरिकल में आर वन आर टू और डी तीनों चीजें गिवन होंगी, यहां से साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो पहला काम क्या होता है, इनमें क्या निकालना, एंगल निकालना। तो ज्योमेट्री के साथ सबसे पहले क्या निकलेगा, एंगल निकलेगा। ठीक है यहां तक। और इसमें सपोज ठीक एक ये वेलोसिटी और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, डी गिवन है, और ये जो एंगल है ये थीटा, और ये भी कितना थीटा गिवन है, ठीक। थर्ड डायग्राम है इसका, डायग्राम तो क्या है, बस उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं इसलिए अलग से लिख रहे हैं इसे। तो फाइनल वेलोसिटी वी वन एन है, और ये वेलोसिटी वी वन एन है, रादर ये टू एन करो, ये सेकेंड बॉडी और ये फर्स्ट बॉडी है, और ये एक टेंजेंट है इनके क्रॉस, ये टेंजेंट जा रहा है कुछ इस तरीके से, और इसकी वेलोसिटी वी वन टी है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी वन या वी टू टी है, टेंजेंट के लॉन्ग एंड नॉर्मल के लॉन्ग।
एक बार देख लो पहले, सबसे हुआ क्या, कोलिजन हो गई। कोलिजन में एक नॉर्मल चल रहा है और एक टेंजेंट चल रहा है, दो एक्सेस हैं। देखो नॉर्मल टेंजेंट तो बेसिकली एक्स और वाई एक्सेस है और कुछ भी नहीं है। तो मेरा एक्सेस अगर ये एक्सेस है तो आफ्टर कोलिजन इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी ऑफ टू एन है, अलॉन्ग नॉर्मल है, मैं एक्सेस जो है अलॉन्ग नॉर्मल ले रहा हूँ, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी ऑफ वन नॉर्मल के अलॉन्ग है फाइनल। और टेंजेंशियल की बात करते हो तो टेंजेंट का मतलब अलॉन्ग टेंजेंट ऐसे होगा, क्योंकि ये टेंजेंट टेंजेंट के पैरेलल को एक्सेस चल रहा है, और इसकी वेलोसिटी टेंजेंट टेंजेंशियल में चेंज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोलिजन का जो इंपैक्ट है वो नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, टेंजेंट में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है। तो टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी इसकी कितनी है, यू वन इंटू साइन थीटा, ये यू वन साइन थीटा, और इसकी कितनी है, यू टू इंटू साइन थीटा, ये यू टू साइन थीटा। ड्रॉ कर लो, तो कभी भी न्यूमेरिकल आएगा, मतलब इस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा, तो ये वेलोसिटीज कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास वी टू टी इज इक्वल टू यू टू इंटू साइन थीटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन बनेगी वी वन टी इज इक्वल टू यू वन इंटू साइन थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू बनेगी। दो इक्वेशन, और मोमेंटम कंजर्व होगा अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है, या इसकी जगह क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल का एक्सिस है, तो नॉर्मल के एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। मोमेंटम अलॉन्ग नॉर्मल इज अ कांस्टेंट, तो मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रखेंगे, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बोलो क्या है, इनिशियली ये बॉल कितनी वेलोसिटी से आ रही थी, यू वन कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे यहां पर, एम इंटू यू वन इंटू कॉस ऑफ थीटा, प्लस इनिशियल मोमेंटम उसका कितना है, एम इंटू यू टू इंटू कॉस थीटा, और आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी ऑफ वन एन, और इसकी कितनी है, वी ऑफ टू एन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। तो कल को अगर मासेस डिफरेंट है, मासेस डिफरेंट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो यहां पर एम वन ले लो, यहां पर एम टू ले लो, यहां पर एम वन ले लो, और यहां पर एम टू ले लो, तो मोमेंटम को क्या कर दिया, कंजर्व अलॉन्ग नॉर्मल। ठीक है, और लास्ट है रेस्टिट्यूशन। अब इनलास्टिक कोलिजन है तो रेस्टिट्यूशन तो लगेगा, तो रेस्टिट्यूशन भी किसके अलोंग लगेगा, अलोंग नॉर्मल लगेगा, अभी किया ना, नॉर्मल के अलोंग लगेगा। तो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, तो e इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 का मतलब है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, जो कि कितनी है यहां पर, v ऑफ 2n, v ऑफ 2n, और फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी है, v ऑफ 1n, फाइनल वेलोसिटी इसकी v2n, फाइनल वेलोसिटी इसकी v ऑफ 1n इस एक्सिस के अलोंग, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, या जो आपकी फर्स्ट ये इनिशियल वेलोसिटीज, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u1 cos थीटा और इसकी u2 cos थीटा, तो u1 की जगह u1 into cos थीटा और माइनस u2 into cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, अब इसे ऊपर तो क्या ही होगा, तो ज्योमेट्री से थीटा निकलेगा, फिर एक टेंजेंट एक्सिस होगा, एक नॉर्मल एक्सिस होगा, नॉर्मल के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व होगा, नॉर्मल के लॉन्ग रेस्टिट्यूशन की क्वेश्चन लगेगी। टेंजेंट के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व कैसे करोगे, दोनों के दोनों तो इधर जा रहे हैं और फाइनली भी इधर ही जा रहे हैं, कंजर्व क्या करें, इंपैक्ट ऐसा हो रहा है ना, झटका इधर को लगेगा इस तरफ से, ठीक, तो ये क्वेश्चन सेम रहेंगी, ठीक। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इस टाइप से टेक्निक से, आप स्फेयर की कोलिजन हो जाए, डिस्क की कोलिजन हो जाए, तो आप लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग रेस्टिट्यूशन लगा लेना, आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर अ पार्टिकल यही है ना, ठीक, फिफ्थ करना जरा सॉल्व। पार्टिकल अ मड पार्टिकल से ऑफ मास एम स्ट्राइक्स अ स्मूथ स्टेशनरी वेज ऑफ मास एम, इनइलास्टिक है, चिपक जाएगा ना, मड पार्टिकल है, मिट्टी चिपक ही जाएगी, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, सेपरेशन होगा ही नहीं,
तो मोमेंटम तो फिर भी कंजर्व ही रहेगा। क्वेश्चन इज कि अगर मान लो ये एक कैपिटल एम मास है और ये इनिशियली किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे है। स्मॉल एम मास इसको यहाँ हिट करता है और विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, वी नॉट, एंड एट एन एंगल ऑफ कितना, थीटा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन के अंदर एंगल भी गिवन है जो कि कितने है, थीटा गिवन है। और इसमें इफ कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, यहाँ कि ये चिपक जाएगा ये मास, मड का मास, इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेज आफ्टर द कोलिजन। तो मान लो ये वेज आगे मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और आपको इस क्वेश्चन में वी बताना है। तो वेज की जो मूवमेंट है वो किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस, या तो इसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर लो या मोमेंटम ही एक्स के लॉन्ग कंजर्व कर दो। तो मोमेंटम एक्स के लॉन्ग कंजर्व कर दो, तो ये जो वेलोसिटी है वी नॉट, इसको आगे एक्सटेंड कर लें एम इन टू वी नॉट, और ये एंगल भी एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी नॉट इन टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है यहाँ तक? तो इनिशियली इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेते हैं, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एक्स के अलॉन्ग कितना है, एम इन टू वी नॉट इन टू कॉस ऑफ थीटा, मड पार्टिकल का और इस बॉडी का कितना है, जीरो। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं m प्लस m एंड दे मूव विद कॉमन वेलोसिटी v। तो यहां से कॉमन वेलोसिटी v तो आप निकाल ही लोगे, m इनटू v नॉट इनटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, आ गया। तो यहां से कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल में हाफ इंटू एम प्लस एम इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर,
और मड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ इतनी है, तो हाफ इंटू एम प्लस एम, और कॉमन वेलोसिटी हमने निकाली हुई है एम वी नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो पहले दो पार्ट तो ठीक है, रेस्टिट्यूशन बहुत सही है इसका निकालना। एक बार देखते हैं, पहले दो पार्ट देखते हैं, रेस्टिट्यूशन निकाल के दिखाना। रेस्टिट्यूशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। देखो पहले दो पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है वो पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह रहा है कि एक बॉल है और ये पूरे का पूरा वेज है, ठीक, ये वेज है और ये एंगल कितना है, ये थीटा, और ये बॉल स्मॉल एम आती है, हिट करती है, और ये कितने वेलोसिटी से आ रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ यू इसे हिट करती है, और ये ऊपर चली जाती है विद द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल वी, और जिस वजह से कैपिटल वी वेलोसिटी से ये वेज आगे मूव करता है। और इस क्वेश्चन के अंदर इसका जो मास है वेज का वो कैपिटल एम है, और बॉल का मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है। तो पहला पार्ट ये है, जब इनकी कोलिजन होती है तो इफ आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द वेज द बॉल स्टार्ट मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड वेज स्टार्ट मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो फर्स्ट पार्ट है द वेलोसिटी ऑफ द वेज निकालो, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले पार्ट में मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर लें, तो लॉन्ग एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम बॉल का कितना है, एम यू, और वेज किस पे है, रेस्ट पे, और फाइनली क्या होता है, फाइनली कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, क्योंकि ये बॉल तो टक्कर मार के ऊपर चली गई, और उसके बाद क्योंकि तो वाई एक्सिस में चली गई, एक्स में तो उसका मोमेंटम रहा नहीं, तो एक्स में से वेज का मोमेंटम कितना है, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, तो कैपिटल वी की वैल्यू तो कम से कम निकाल सकते हो, ये कैपिटल वी आ गई। पहला पार्ट क्लियर है, ठीक हो गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया, ये आ गया बी पार्ट है, द वेलोसिटी स्मॉल वी। अब मुझे क्या निकालना है, बॉल की ऊपर जाने की वेलोसिटी, जो कि वो जो ऊपर की तरफ जाने की वेलोसिटी आपको बतानी है कितनी है, ठीक। तो अगर आपको ऊपर की तरफ जाने की वेलोसिटी बतानी है तो जस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा, और मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इसके पैरेलल, सच दैट ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और एक्सिस अगर चेंज करना हो, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सिस चेंज करना हो तो कम से कम मैं इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ नॉर्मल टू दी सरफेस, इसके सरफेस ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या होगा इसका नॉर्मल, यानी कि ये और ये लाइन आपस में पैरेलल मानी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा तो कैपिटल वी, तो ये कैपिटल वी कॉस थीटा और ये कैपिटल वी साइन थीटा। बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं, ये रेस्टिट्यूशन में काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा, अभी सिर्फ ये काम आएगा कि ये यू वेलोसिटी है और अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल वी थीटा है, और इस केस में क्या ये एंगल भी थीटा है, चेक करना, क्योंकि ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पे, तो 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये इसके साथ नॉर्मल है, ठीक है ना यहां तक। तो इस केस में v के दो कंपोनेंट हो गए, एक v इंटू कॉस थीटा बॉल की जाने की वेलोसिटी, और एक v इंटू साइन थीटा, ठीक है यहां तक। तो v इंटू कॉस थीटा, v इंटू साइन थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट है इसमें इनिशियल मोमेंटम देखते हैं, तो ये एम यू के साथ इधर आ रहा है, मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा एम इंटू यू हो गया, एम यू या यू हो गया, यू के दो कंपोनेंट होंगे यू इंटू कॉस थीटा और एक यू इंटू साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। ठीक, देखो ये जो रेस्टिट्यूशन है या जो भी है वो तो नॉर्मल के अलोंग लगेगा ना, नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि बॉल आई नॉर्मल के अलोंग चली गई तो वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग चेंज होगी, प्लेन के अलोंग, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन के अलोंग तो रेस्टिट्यूशन लग ही नहीं रहा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन बी पार्ट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा, और आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या, एक बार चेक करना कितना वी निकालना है, तो आपको वी निकालना है, तो वी इज इक्वल टू यू और क्या हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा, यू कॉट थीटा, तो आपके पास जो आंसर आएगा यू कॉट थीटा आएगा, यही आंसर है इसका। लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है रेस्टिट्यूशन,
रेस्टिट्यूशन नॉर्मल के अलोंग लगेगा, पर आप रेस्टिट्यूशन बताओ इसमें क्या लगेगा, सारी हर चीज नॉर्मल के अलोंग लगानी है, ये तो बात पक्की है ठीक। तो थर्ड पार्ट में अगर रेस्टिट्यूशन निकालना है तो रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू, ठीक हो गया यहां तक क्लियर है। तो इसके अंदर फर्स्ट बॉडी हम ले लेते हैं इस केस में प्लैंक, सॉरी सेकेंड बॉडी प्लैंक ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं बॉल, है ना, ऐसे करेंगे ना। तो ये प्लैंक है और एक बॉल है और ऑब्वियसली ये वेलोसिटी किसकी आएगी, बॉल की, और ये किसकी आएगी प्लैंक की, और ये रेस्टिट्यूशन अलोंग अलोंग क्या लगाना है, अलोंग नॉर्मल, और नॉर्मल कौन सा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इनके अलोंग लगेगी सारी वेलोसिटीज। अब वैल्यूज पुट करते हैं, क्या रहे क्या रहे, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ट्रू वैल्यूज इंटरेस्टिंग है बहुत, क्योंकि बहुत सारी वेलोसिटीज वेलोसिटीज दिखाई दे रही हैं, अब कौन सी उठा के कब पुट करनी है ये देखते हैं, हो गया। देखो ई इज इक्वल टू मैंने यहां स्पेशली लिखा हुआ है ये प्लैंक है, प्लैंक की वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग, तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि यहां की वेलोसिटी आपको पॉजिटिव लेनी है और वहां की नेगेटिव, उल्टा भी ले सकते हो, इट्स योर विश। ठीक, स्टार्ट करें। तो ये प्लैंक है, प्लैंक की y एक्सिस मीन नॉर्मल, नॉर्मल तो ये भी नॉर्मल है, तो वेलोसिटी क्या पुट करेंगे, v साइन थीटा, ठीक है, तो कैपिटल v साइन थीटा, ये सबने पुट किया। माइनस बॉल की वेलोसिटी चेक करते हैं, वी वन, ये रही बॉल, बॉल की वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग कितनी, स्मॉल v cos थीटा, देख रहे हो स्मॉल v cos थीटा, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस स्मॉल v cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब प्लैंक की तो मैं पुट कर ही दूंगा, प्लैंक जो है वो इनिशियली किस पे पड़ा हुआ था, रेस्ट पे, तो u2 तो जीरो हो ही गया, और u1 नॉर्मल के अलोंग, u1 क्या पुट करेंगे, u साइन थीटा पॉजिटिव में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, u इंटू साइन थीटा, बस ये आंसर है इसका, रेस्टिट्यूशन का यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ दो, नहीं तो पिछला रिजल्ट को v को यहाँ पुट कर दो, कॉट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक, तो वैल्यू समझ में आ रही है, कौन सी वैल्यू कब पुट करनी है इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कोलिजन एक्स एक्सिस में लगानी है कोलिजन सारी, एक्स में ही है कोलिजन, वाई में नहीं है, जब तक वो टक्कर मारेगा तब तक तो वो सेकंड में टक्कर मार देगा, तो एक्स एक्सिस में कोलिजन लगानी है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉल्स की कोलिजन हो रही है ना जो सिक्स्थ क्वेश्चन में, सेवन्थ में, अच्छा अच्छा वेज वाला क्वेश्चन एक और है, ठीक है चलो। द वेज ऑफ मास कैपिटल एम इज केप्ट एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, पार्टिकल ऑफ मास एम हिट्स वेज नॉर्मली, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द वेज एंड पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है मैं देखना भूल गया, ठीक है ये भी क्वेश्चन कर लो, बोलो यही ऐसे ही है, ऐसे ही है, ट्राइंगल है, कुछ भी लो, वी नॉट ले लो, वी नॉट के फॉर्म में आंसर आएगा, एक मिनट, इसका आंसर है 1 प्लस ई एम वी नॉट साइन थीटा एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, कैपिटल वी का सिक्स का वेज वाला क्वेश्चन रह गया ना, बॉल्स वाला, इसका आंसर है 1 प्लस वी ई बाय 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 इनटू यू, मेरे असाइनमेंट आपके असाइनमेंट में फर्क है क्या? सेवेंथ का वेज है ना, तो आपने वेज वाले का पूछा, हाँ ठीक है, तो कैपिटल वी निकालना है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज, तो वेलोसिटी ऑफ वेज बताई थी पहले मैंने, thank you.
करके देखना पड़ेगा यार। तो देखो एक एक स्टेप करके देखते हैं, आंसर देखो वेरीफाई करके आया कि नहीं आया। मेरे को आंसर, मैं इक्वेशन बनाता हूँ, अब एक बार चेक करो। सबसे पहले एक वेज, ये एक वेज 90 डिग्री एंगल थीटा, और कोई पार्टिकल कैसे आ रहा है नॉर्मली, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी नॉर्मली वी नॉट, और जाने की वेलोसिटी वी एन या वी डैश, कहाँ, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वी एन भी यहीं ड्रॉ कर लेते हैं, वी ऑफ एन जो भी है, ठीक। सो ये कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, कैपिटल वी, ठीक है। और वेज का मास कितना है, कैपिटल एम, और इसका मास कितना है, स्मॉल एम। कहाँ जाएगा फिर, हाँ ये तो पॉइंट है। तो फिर अगर ये उधर नहीं गया तो फिर अपने को एक काम करना पड़ेगा, फिर इमीडिएटली कोलिजन का केस लेते हैं, इसमें गिवन तो है नहीं। तो हम ये मानते हैं कि याद है कुछ टी टाइम लगा, इम्पल्स जनरेट हुआ और उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वी एन ले लेते हैं। देखो तो हमें ये तो पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, मैं तो हो ठीक कह रहे हो सकता है इधर के बाद ऊपर चला जाए, मैं कह नहीं सकता, इसमें गिवन ही नहीं है कि कहाँ गया। तो मैं कुछ नहीं बात करता, सपोज करता हूँ कि ये वी नॉट के साथ इसे हिट कर रहा है, वी नॉट के साथ, और इसने टी टाइम लगाया, वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, इम्पल्स की एप्लीकेशन है, गिवन नहीं है खैर उसमें टी, बट जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी एकदम कितनी हो जाती है, वी ऑफ एन हो जाती है इन सेम डायरेक्शन। हम आगे जाने का चक्कर डालते ही नहीं कि क्या हुआ, ठीक। नहीं तो फिर हमें अगर वेलोसिटी वी नॉट गिवन होती फिर मेरे को उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने थे, अगर गिवन होता फिर तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, फिर तो वही सेम पिछला क्वेश्चन ही हो गया। अगर गिवन नहीं है तो लेट अस सपोज इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी फॉर एन इंस्टेंट चेंज हो गई, थोड़ी सी कम हो गई हिट करने के बाद, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो इसकी वेलोसिटी सपोज कितनी हो गई, वी ऑफ एन हो गई, इरिस्पेक्टिव किसके बाद वो गया कहां, ठीक है। यहां तक इसको ऐसे ले लो, कोई चक्कर नहीं। अब नेक्स्ट जो है आपको इसमें क्या निकालना है, आपको अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो जस्ट यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके पैरेलल, और ये नॉर्मल है ऑब्वियसली, ये तो है ही नॉर्मल के अलोंग, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा,
तो एक्स एक्सिस में एक वेलोसिटी आ गई वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज वी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा, और एक कॉम्पोनेंट कहाँ आएगा नीचे की तरफ वी नॉट इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज वी नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक? तो सिमिलरली वी एन के साथ भी सेम स्टोरी है, क्योंकि अगर जो वी एन है वो वेक्टर भी इसी तरफ जाएगा। फॉर एन इंस्टेंट अगर मैंने इसका वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया तो इस केस में ये जो वैल्यू है ये वी ऑफ एन है, वी ऑफ एन है, तो इसका भी एक्स इस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा वी एन इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा वी ऑफ एन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, सेम। ठीक, अब एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्व करें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली एक्स के अलॉन्ग बॉल आ रही है एम इंटू वी नॉट इंटू साइन थीटा से, और प्लैंक किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट, एक्स में इतना मोमेंटम है। ठीक, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली प्लैंक की वेलोसिटी कितनी होगी एक्स के अलॉन्ग वी, लेकिन जो बॉल है बॉल उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वी एन साइन थीटा, अब ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्योंकि इंस्टेंट की बात हो रही है उसके बाद कहाँ गया वो अलग बात है, तो इसमें एम इंटू वी ऑफ एन इंटू साइन ऑफ थीटा, सॉरी एम कैंसिल नहीं हो सकता। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन आ गई। ठीक है यहाँ तक? अब आपको क्या लगाना है, कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन लगाओ इसमें और देखो क्या आंसर आ रहा है। तो कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंदर ई इज इक्वल टू, मैं किसके अलोंग लगाऊंगा, अलोंग नॉर्मल, ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू। तो ऑब्वियसली ये क्या है प्लैंक, ये क्या है बॉल, ये किसकी वेलोसिटी है बॉल, और ये किसका है प्लैंक। प्लैंक की ये वेलोसिटी कितनी है जीरो, प्लैंक इनिशियली किस पे था एट रेस्ट। अब प्लैंक वही सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था इस सरफेस को इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया था, सेम इसके ये पैरेलल। तो अगर ये थीटा है तो मैंने कहा था ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, यही होगा ना, हाँ थीटा हो जाएगा। तो इस केस में नॉर्मल जो इसका नॉर्मल होगा वो यहां कहीं होगा इसका नॉर्मल, सच दैट ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा वी इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज कैपिटल वी इंटू साइन थीटा, पिछले क्वेश्चन में सेम ही आया था कैपिटल वी साइन थीटा। तो नॉर्मल कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी हमने, तो यहां पर वी टू की जगह क्या पुट करेंगे वी इंटू साइन थीटा माइनस वी वन। बॉल की कोलिजन हो गई, बॉल की कोलिजन के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आती है नॉर्मल के अलॉन्ग वी एन, और तो है ही नॉर्मल के अलॉन्ग, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा वी एन, इसमें तो कुछ चेंज कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी इस एक्सिस नॉर्मल के अलॉन्ग ही चल रहा है। डिवाइडेड बाई यू वन, यू वन बॉल की जो वैल्यू है वो इस नॉर्मल के अलॉन्ग इनिशियली कितनी है ऑलरेडी वी नॉट है, तो सीधा क्या पुट करेंगे वी नॉट और माइनस कितना जीरो। इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास v की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 1 प्लस e इंटू एम इंटू वी नॉट इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल m प्लस m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक बॉल्स वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, नहीं जरूरी नहीं है ना, तो पिछले क्वेश्चन के अंदर फिर नॉर्मल क्यों भेजा, पिछले क्वेश्चन में बॉल आ रही थी सीधी और नॉर्मल चली गई, फिर आपके हिसाब से तो अगर नॉर्मल
क्या ये ट्रू है? अगर सरफेस स्टेडी है और बॉल 90 डिग्री पे आ रही है तो 90 डिग्री पे ही जाएगी, वैसे गलत नहीं होना चाहिए ये। नॉर्मल पे जब स्ट्राइक नहीं करती तब वो एंगल चेंज करती है। अगर सेंटर ऑफ मतलब जरूरी नहीं है, तो ये निकल रही है इस केस में, पता नहीं ये भी पॉइंट है, कह नहीं सकते, नहीं पढ़े चक्कर भी ज्यादा अच्छा है। अगर गलती तुमने ले भी लिया ना, मान लो चलो आपने ले लिया गलती से, तब भी मेरे को लगता है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ चेंज हो गई, मैं मोमेंटम में माइनस लगा दूंगा, फिर मैं रेस्टिट्यूशन में माइनस लगाऊंगा, फिर दो जगह माइनस आएगा ना। बाय चांस अगर मैंने चेंज कर लिया तो मेरा मोमेंटम मैं कम शो करूंगा माइनस में, वहां पर भी माइनस नहीं, आंसर चेंज आएगा। हाँ चेंज आएगा यार, मैं माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, मान लो मैंने इसकी बात मान ली थी अगर, और यहाँ पर भी फिर मैं क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। चेक करके देखना जरा आंसर आ रहा है उससे। एक बड़े काम करना, नेक्स्ट इक्वेशन बनाना, इसको माइनस कर लो एक मिनट, और इसको प्लस, आएगा आंसर सेम आएगा, दोनों क्वेश्चन में माइनस माइनस का इफेक्ट है, करके देख ही लो यार, पता लग ही जाएगा कि कल को अगर न्यूमेरिकल गलत हो गया तो कम से कम आंसर तो सही आएगा हमारा। चेक करना जरा दोनों में माइनस माइनस लगा के क्या आंसर सेम आ रहे हैं। नहीं आना चाहिए वैसे, मुश्किल लग रहा डिग्री पे ले भी लिया तो आंसर सेम आ गया, चलो ठीक हो गया फिर तो, बढ़िया हो गया। ठीक है यहाँ तक क्लियर है, तो असाइनमेंट को एक बार फिर ट्राई कर लेना, नेक्स्ट टाइम और एक असाइनमेंट आएगी इस तरीके से। अब कोलिजन हम खत्म कर देंगे, कोलिजन्स खत्म करने के बाद हम रोटेशनल मोशन पे आएंगे अब सीधा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में कल अनाउंस कर दूंगा, परसों के करीब होएगी, परसों।